वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी न्यू टेक इन्वेंशन के बारे में जिनका इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन रहता है इस लिस्ट में सबसे आखिरी पर। नंबर 10, स्क्वीकी क्लीन फीट। दोस्तों, दुनिया भर की भाग दौड़ के बीच में कहीं ना कहीं जब बात आती है अपने पैरों को साफ करने की, तो इसमें हम लोग अक्सर लापरवाही कर जाते हैं, जिसकी वजह से दिन पर दिन हमारे पैर गंदे होते चले जाते हैं और उसकी जो स्किन होती है वो काली पड़ जाती है। वहाँ पर दोस्तों आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके की गैजेट को, जो कि पैरों को साफ करने के लिए बेहद कमाल का रहेगा। हालांकि मार्केट में और भी इस तरीके की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिन्हें आप हो सकता है इस्तेमाल भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपकी स्किन को परमानेंटली खराब भी कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं आप इस अल्ट्रा सॉफ्ट स्क्रबर को, जो कि खास तौर पर आपके पैरों को ही साफ करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसमें बस आपको पैर डालने के बाद हल्का हल्का हिलाते रहना होगा, जिसके बाद आसानी से आपके पैर साफ हो जाएंगे। साथ ही इसमें छोटे छोटे मसाजर भी लगे होते हैं, जो कि आपके पैरों को काफी रिलीफ देते हैं, जिससे कि आपको काफी अच्छा लगेगा। वही दोस्तों आप इसे इजिली इस्तेमाल कर पाए इसी के लिए इसमें नीचे की तरफ सक्शन कप्स लगे होते हैं, जो कि इसे एकदम जमीन में अच्छी तरीके से चिपका देते हैं, जिससे कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे अपने पैरों को डालकर, तो ये एक जगह पर फिक्स रहेगा, जो कि काफी हेल्पफुल होगा सिचुएशन में। नंबर 9, रोलैंड एरोफोन गो। दोस्तों आपने एरोफोन को तो यकीनन कभी ना कभी देखा होगा, जो कि ज्यादातर ब्रास और लकड़ी के बने होते थे, जो कि फ्लूट का एक एडवांस वर्जन होता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं समय के साथ साथ वो आज की तारीख में तो गायब से हो गए हैं। उनकी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ इस तरीके की गैजेट को, जो कि दरअसल एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक एरोफोन होता है, जिसकी मदद से आप आसानी से उसी तरीके की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल एरोफोन की तरह ही काम करता है, जिस तरीके से नॉर्मल विंड इंस्ट्रूमेंट को चलाया जाता है, ठीक उसी तरीके से ये भी काम करेगा। लेकिन इसके साथ आपको एक ऐप का सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे कि आप इसकी आवाज को चेंज कर सकते हैं, जो कि एक इसका मजेदार फीचर रहेगा, जो कि इस एरोफोन की आवाज को कस्टमाइज कर सकेगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये एरोफोन कैसा लगा है। नंबर 8, टाउ पावर बैंक। दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल फोन्स के साथ साथ अपनी पावर बैंक को भी लेकर कैरी करते हैं, क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी से ड्रेन हो जाती है। ऐसे में आपको इमरजेंसी सिचुएशन पर जरूरत पड़ती है एक पावर बैंक की। लेकिन अगर आप पावर बैंक के साइज और उसके वेट को देखेंगे, तो जनरली वो साइज में थोड़ी सी बड़ी और भारी भरकम होती है, जिन्हें की साथ में लेकर कैरी करना थोड़ी सी झंझट वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके की गैजेट को, जो कि एक ऐसी पावर बैंक रहेगी जिसके साइज की बात करी जाए तो ये एक चाबी के गुच्छे के बराबर होगी। जी हाँ दोस्तों, बात आपको हो सकता है थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन ऐसा वाकई होता है, क्योंकि ये 1400 mAh की एक ऐसी पावर बैंक होती है, जो कि साइज में तो एक चाबी के गुच्छे जैसी होती है। और यहाँ पर दोस्तों आपको केबल की भी जरूरत नहीं पड़ती इसे इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड ऑन बोर्ड माइक्रो यूएसबी टाइप सी और लाइटनिंग केबल के सपोर्ट दे रखे होते हैं, जिससे कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी फटाफट इसी से ही केबल को निकालिए और चार्ज करना शुरू कर दीजिए। वही दोस्तों इसे चार्ज करना भी बेहद आसान रहता है। इसके साथ आपको एक कीरिंग डॉक दे रखा होता है, जिससे कि जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हैं बस इसके डॉक पर लगा दीजिए, कि चाबी भी आपको दीवार पर टंगी हुई दिख जाएगी और ये कहीं ना कहीं चार्ज भी होती रहती है। तो दोस्तों कमाल की चीज रहती है, जो कि 2-in-1 हो जाती है, जिसे कि आप आसानी से कीरिंग और एक पावर बैंक दोनों की ही तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल अभी हमें कमेंट करके आप ये बता सकते हैं, क्या आप अपने मोबाइल फोन के साथ पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो कितनी mAh की पावर बैंक आपके लिए सफिशियंट रहेगी। नंबर 7, स्मार्ट डेस्क 3। दोस्तों हमारा वर्क स्टेशन हमारे लिए काफी ज्यादा मैटर करता है, वो जितना ज्यादा कंफर्टेबल होगा कहीं ना कहीं हमारा काम में भी उतना ही ज्यादा मन लगेगा। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसे ही टेबल चाहते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर ऑफिस यूज के लिए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की स्मार्ट टेबल को। दोस्तों इसे स्मार्ट कहने की वजह दरअसल ये होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ स्मार्ट फीचर्स दे रखे होते हैं, जिससे कि ये टेबल अपने हाइट को एडजस्ट कर सकती है। साथ ही यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेटेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी इसकी डेस्क पर, जिसमें कि आपको इस टेबल को कस्टमाइज करने के लिए बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों अगर आप इसे म्यूजिक का मजा लेना चाहते हैं, तो उसके भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही यहाँ पर आपको आइडियल अलार्म जैसे भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप समय समय पर अपने मूड को चेंज करते रहें। तो दोस्तों बताएगा कि आप क्या इस तरीके की टेबल इस्तेमाल करना चाहेंगे, जो कि अपनी हाइट चेंज करती है, जिसमें कि आप जब चाहे बैठ कर या फिर खड़े होकर दोनों ही तरीके से काम कर सकें। नंबर 6, फोल्ड ईट। दोस्तों घर में रहकर खाना खाने की बात ही कुछ और होती है, जिसमें कि आप टेबल को पूरी तरीके से सजा सकते हैं और अपनी मनपसंद चीजों के साथ आप खाने का मजा ले सकते हैं। लेकिन बात अगर ऑफिस या फिर स्कूल्स की करी जाए, तो जहां पर आप लंच बॉक्स ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खाने में वो मजा नहीं आता, क्योंकि लंच बॉक्स में जगह काफी कम होती है, जिसमें कि आप प्रॉपर खाना नहीं रख सकते और लिक्विड वाली चीजें तो आप बिल्कुल भी लेकर कैरी नहीं कर सकते। लेकिन इस मॉड्यूलर लंच बॉक्स को अगर आप देखेंगे, तो ये चीज आपको बेहद इंटरेस्टिंग इसलिए लगने वाली है, क्योंकि ये आपको ऑफिस में भी एकदम घर वाली फीलिंग करा देगी। दोस्तों ये एक
एक ऐसा लंच बॉक्स रहता है जो कि आपको एक छोटे से डाइनिंग टेबल वाली फील करा देगा। इसके जिपर को आप जैसे ही ओपन करते हैं तो ये चारों तरफ से ओपन हो जाता है और आपके लिए एक छोटी सी डाइनिंग टेबल सजकर तैयार हो जाएगी, जहां पर आप अलग अलग काफी सारी चीजें रख सकते हैं इस लंच बॉक्स के अंदर। और साथ ही इसमें स्पून से लेकर हर लिक्विड चीज को भी कैरी करने की जगह होती है, जो कि काफी बेहतर रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने ऑफिस में या फिर अपने स्कूल टाइम में मजे लेना चाहते हैं एकदम घर जैसे ही, तो इस तरीके की गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन लंच बॉक्स रहेगा आपके लिए। नंबर 5, की बैग बैकपैक। दोस्तों, बैकपैक्स तो आपने काफी सारे देखे होंगे, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज कैरी करनी हो अपने बैग में जो कि थोड़ी सी नाजुक है या फिर कांच की बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल बैकपैक्स होते हैं वो इसमें काम नहीं आते, क्योंकि उनमें अगर हल्का सा भी झटका लगेगा, दबाव पड़ेगा, तो वो चीज फौरन टूट जाएगी। जैसे कि अगर आपके कैमराज वगैरह हो गए तो उनके लिए भी ये चीज काफी ज्यादा दिक्कत वाली होती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस बैकपैक को देखेंगे तो ये काफी ज्यादा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपरी हिस्से में आपको एक हार्ड शेल दे रखा होता है, जो कि इस बैकपैक को काफी मजबूत बनाता है। हालांकि अंदर से ये एक नॉर्मल बैकपैक जैसा ही रहेगा, लेकिन इसका ये हार्ड शेल काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा नाजुक चीजों के लिए। वही दोस्तों, इसमें पीछे की तरफ एक छोटी सी एलईडी डिस्प्ले भी दे रखी होती है, जिसमें कि एनिमेशंस या फिर टेक्स्ट को आप चला सकते हैं। इसके साथ आपको एक ऐप सपोर्ट दे रखा होता है, जिससे कि आप इस टेक्स्ट को या फिर एनिमेशन को सिलेक्ट कर पाएंगे, जो कि देखने में काफी बेहतरीन लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा बैकपैक इंटरेस्टिंग सा लगा हो तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 4, बुश फ्रेश अप। दोस्तों, गर्मी के मौसम में अगर आप कपड़े पहनते हैं तो ऐसे में पसीना आना तो लाजमी सी बात है, लेकिन दोस्तों उसी पसीने की वजह से अक्सर कपड़े स्मेल करते रहते हैं। फिर आप कितने भी परफ्यूम्स का इस्तेमाल क्यों ना कर लें, उनकी स्मेल खत्म नहीं होती पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं बुश की तरफ से आने वाले इस गैजेट को, जो कि खास तौर पर कपड़ों से स्मेल्स को हटाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इसकी खास बात ये होती है कि इसे आपको काफी देर तक कपड़े के कॉन्टेक्ट में नहीं रखना है, बस आपको इसे ऑन करना है और हल्का सा इसे कपड़े के ऊपर फिरा दीजिए। साथ ही दोस्तों, ये फटाफट जो है उसकी स्मेल पूरी तरीके से खत्म कर देता है और आप इसे अपने कहीं भी साथ में ले जा सकते हैं। यानी कि परफ्यूम से बेहतर है कि आप इस तरीके के गैजेट को अपने साथ रखें, जिससे कि आप जहां जाएं आप हमेशा जो है आपको फ्रेश सा फील हो। नंबर 3, डिसूर M2 SSD। दोस्तों, आजकल काफी सारा डेटा होता है हमारे मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स जैसी जगहों पर, जिसे कि जनरली हम लोग स्टोर करने के लिए हार्ड ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हार्ड ड्राइव्स की प्रॉब्लम ये होती है कि वो साइज में थोड़ी सी बड़ी और भारी भरकम होती हैं, और साथ ही उसमें जो ट्रांसफर स्पीड देखने को मिलती है वो भी थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल जमाना आ चुका है SSD का, जहां पर आपको कुछ ऐसा स्टोरेज देखने को मिल जाता है जो कि बड़ा ही पोर्टेबल और स्लीक सी डिजाइन में आने वाला है। तो ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा छोटी सी एक ड्राइव होती है, जहां पर आपको SSD का सपोर्ट मिल जाता है। साइज वाइज देखा जाए तो ये आपके मोबाइल फोन से भी छोटी रहेगी और इसके सिक्योरिटी फीचर्स भी बड़े लाजवाब होते हैं। यहाँ पर आपको एक इंटरनल कीपैड दे रखा होता है, जिससे कि आप इसमें इसके पासकोड को एंटर करके इसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही सर्फ डिस्ट्रिक्ट जैसे बहुत सारे इसमें प्रोग्राम इनबिल्ट रहते हैं, जो कि इसे और भी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर बनाते हैं। तो डेटा ट्रांसफर की एक नई दुनिया को महसूस करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के SSD स्टोरेज को, जो कि आजकल काफी ज्यादा तेजी से पॉपुलर हो रहा है। नंबर 2, इटेक्सिटी बॉडी वेट स्केल। दोस्तों, बहुत से लोग अपने घर में एक छोटा सा वेइंग स्केल लगते हैं, जिसकी मदद से वो अपने वजन को समय समय पर नापते रहें। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही खरीदने वाले हैं तो इटेक्सिटी के इस स्केल को ट्राई करके देख सकते हैं। ये बड़ा ही कमाल का इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक टेम्पर्स ग्लास बेस्ड बॉडी वेइंग स्केल होता है, यानी कि ये दिखने में भी बेहद खूबसूरत सा लगेगा। और जैसे ही आप इस ग्लास पर खड़े होते हैं तो इसमें लगे होते हैं हाई प्रिसीजन सेंसर्स, जो कि आपको एक्यूरेट वजन आपका बताएंगे। वही दोस्तों, इससे आप लगातार अपने वजन को मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको आपके पिछले वजन के हिसाब कंपेयर भी दिखाता है कि आपने कितना गेन किया है या फिर कितना लूज। यानी कि कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेट करता है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें और अपने वजन को कम करें। तो दोस्तों, इस तरीके का बॉडी वेइंग स्केल काफी ज्यादा बेहतर रहता है, जिससे कि हमेशा आप अपने घर में रख सकते हैं। नंबर 1, कैंगरू। दोस्तों, बहुत तेजी से आजकल ई बाइसिकल्स का जमाना आ रहा है। इसके पीछे वजह यह होती है कि आजकल फ्यूल के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोग ई बाइक्स का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप भी एक ऐसी एडवांस और मॉडिफाइड ई बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये चीज बेहद कमाल की रहेगी। दोस्तों, इसके खास फीचर ये हो जाते हैं कि ये बिजली से तो चलती ही है, साथ ही दोस्तों इसमें एडवांस सेंसर्स भी लगे होते हैं, जो कि आपको फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमेशा ये आपके साथ रहेगी। यानी कि अगर इसे आप फॉलो करने की कमांड देते हैं तो आप जहां भी जाएंगे ये आपके पीछे पीछे आएगी। कहीं ना कहीं ये बेहद
छोटी सी साइज में कॉम्पैक्ट सी एक छोटी सी ई बाइक होती है, जिसे कि आप अपने ऑफिस जाने के लिए या फिर अपने घर के आसपास जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें सेल्फ ड्राइविंग मोड भी होता है, जिससे कि मोबाइल फोन पर एक बार अगर आप रूट सेट कर देंगे तो ये खुद ब खुद चलकर वहां पर चली जाएगी। यानी कि अगर आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, कोई जरूरी काम कर रहे हैं फोन पर, तो ऐसे में बस आपको अपनी बाइसिकल पर बैठना है तो ये खुद ब खुद चलकर आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, कमाल के फीचर्स के साथ लेस होती है ये छोटी सी ई बाइक, जो कि मेरे को भी काफी इंटरेस्टिंग लगी है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये बेहद एडवांस गैजेट कैसा लगा है। साथ ही वीडियो